डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों अपोजिट है, कॉन्स्टिपेशन का उल्टा आता है. दिस कैन बी ऑल्सो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द सम बैक्टीरिया डाइसेंट्री होता है. अमीबा एक अमीबा हिस्टोलिटिका एक अमीबा का फॉर्म है, प्रोटोजोअन फॉर्म है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका. अगर वो बॉडी में बढ़ जाए तो लूज मोशन लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरिया. और कुछ ऐसा और माइक्रोब्स आ जाए दैट इज डायरिया. और इसी की रिवर्स डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जस्ट आपको जुटा उसमें मोशन का प्रॉब्लम है, इसमें अनकंट्रोल. So this is altogether ultimate. Then एक और इसमें होता है डायवर्टिकुलम. डायवर्टिकुलम या डायवर्टिस दैट मीन फुफोले जैसे अगर मेरे को यहां पे थोड़ा सा गर्म लग जाए सेक लग जाए तो मेरी स्किन फूल जाए. सेम उस तरह से कुछ खाना कुछ ऐसा इंफेक्शन ऐसा हो जाए कि जिसके कारण फोफोले डायवर्टिक कैविटीज बन जाती है. जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए बजाय ये ऐसी होगी. यहां पे ये स्ट्रेट चलनी चाहिए इसको तो ये स्ट्रेट ना होके ऐसे कैविटीज बन ऐसे. This is called diverticulum. This diverticulum also affects constipation. ये जो diverticulitis है ये भी constipation का और ये large intestine. एक problem और है जो generally even the most जो practitioner है वो भी confused हो जाते हैं, that is called Crohn. इन्फेक्शन हो गया उस टाइप का घाव हो गया जो जल्दी से नहीं भरता और बहुत सारी हमने मेडिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन थायराइड की मेडिकेशन खाने से या ओपिएड लेने से या और बहुत सारी मेडिसिन न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन लेने पे कॉन्स्टिपेशन से ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो सो दैट कभी कोई जिक्र हो तो आपको ये थोड़ा याद रखे. डाइवर्टिकुलम क्रोनिक ये क्रोन डिजीज के अंदर क्रोन क्लाइटिस है. अगर मेरे मुंह में होगा तो मैं क्लाइटिस नहीं बोलता क्योंकि क्लाइटिस ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द कॉलन दैट मीन लार्ज इंटेस्टाइन. मैं ये नहीं कह सकता मेरे मुंह में क्रोन क्लाइटिस हो गया बिकॉज इट इज अ रॉन्ग. सो ये देन इसी की फॉर्म है आईबीडी. IBD and one is called IBS. IBD is an inflammatory bowel syndrome. This and IBD is an inflammatory. IBD is an inflammatory. मैं repeat करता हूँ. IBD is an inflammatory bowel disease. And IBS is irritable bowel syndrome. Irritable. यानी ये हो चुका है. दिस इज अगेन ए अल्सरेटिव फॉर्म जहां पे इनफ्लेम में वो जो सोजिश आ जाती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम डिजीज कहते हैं. और अगर बहुत क्रॉनिक हो जाए वो इरिटेबल वाली हो जाए उसमें मल्टीपल सिम्टम आ जाए तो हम उसको आईबीएस कहते हैं. आईबीएस इज इक्वली कनेक्टेड विद द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम.
ये साइकोलॉजिकल इशू भी है, ये हमारा मेंटल से भी ताल्लुक है. व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, और ये आम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ये दोनों जो है ना इफेक्ट डालती है, क्योंकि फ्रेश इतनी जल्दी से नहीं होता, और आदमी को अगर सवेरे ऑफिस जाना हो अगर फ्रेश नहीं हो पाया तो वो एक डर, इससे जो रूटीन लाइफ है डिस्टर्ब हो जाती है. जब एक बार रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो मेंटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर ये और क्यूमुलेटिव होती जाती है. तो ऐसे करके तो दिस इज दीज आर द साइकोलॉजिकल एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल. इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर है. स्ट्रेस में रहने का आदमी ने कुछ ऐसा देख लिया, डर है उसको, पेन से डर है उसको, लेजीनेस है वो, पब्लिक ओपिनियन से डर रहा है, तो ये सारा क्यूमुलेटिव होके इन बीमारियों को जन्म दे देता है. सो जितनी नेचुरल अर्जेस है इनको कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर अ वुमेन जो यूरिन की जो अर्जेंसी है ये 99% स्प्रेस करती है, 99% स्प्रेस करती है, और एक एज के बाद एक ऐसी बीमारी पे लैंड कर जाती है दैट इज कॉल्ड यूरेट्रोनेफ्रोसिस, यानी लेफ्ट या राइट साइड की जो यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिटर, इन तीनों में प्रॉब्लम आ जाती है. डॉक्टर यूज टू उनको कहता है कि आप सीओपी कब टेस्ट करवाओ, किडनी यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर थ्री बॉडी पार्ट उनके गड़बड़ हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ टू थिंग. वन इज द सप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्थ, सेकेंड इज उस नेचुरल सप्रेशन को ना को आए पानी कम पी, पानी कम पीती है, डर लगता है कि वॉशरूम कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके कारण उनकी किडनियां जाती हैं, और फिर अगर नेचुरल अर्जेंसी लगी हुई है उसको स्प्रेस करेगी तो ब्लैडर भर जाएगा, ब्लैडर जब भरेगा तो वो जो यूरिन है पीछे को चलना शुरू कर देगा, यूरिटर में आ जाएगा, और ये देखिए यूरिटर में आएगा पहले, उसके बाद ये जो ब्लैडर है डिस्टेंट हो जाएगा. एक गुब्बारे को मैं 5 दिन फुला के रखे रखूं यहां, छठे दिन उसपे निकालूं उसमें हवा, तो वो नेचुरल फॉर्म में नहीं आएगा, वो डिस्टेंट हो चुका होगा. और फिर जो हमेशा ये लगता है कि मेरे को एक अर्जेंसी का एक डिफरेंट काइंड ऑफ की फील हमेशा रहती है कि मेरे को वॉशरूम, जबकि वो वैक्सीनेशन हो चुका है बट उसकी जो मस्कुलर टोनिफिकेशन है वो इतनी गड़बड़ होगी. और कई बार तो क्या होता है यूट्रस प्रोलैप्स आ जाता है, जो लोअर एब्डोमेन पेल्विक फ्लोर है वो नीचे को खिसक सकता है. दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग, फर्स्ट इज पानी का कंटेंट कम पीना और नेचुरल अर्जेंसी को स्प्रेस करना, जिसके कारण तीन बॉडी के पार्ट गड़बड़ हो जाते हैं और ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि एक एज के बाद फिर वो मेडिकेशन आफ्टर 45-50 के बाद, बिकॉज इनिशियली तो कोई बात नहीं, वो एक चीज का होल्ड करने की एक क्षमता है, उसको इतने सालों तक आप होल्ड ही करवा रखा हो तो वो लूज हो जाती है, उनकी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है. तो दीज आर द थिंग, सेम ऐसे करके इसमें भी ऐसा हो जाता है. देन आगे जो लास्ट वाले पार्ट में कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है, दिस प्रॉब्लम लीड्स टू एनल फिशर. ये जो कॉन्स्टिपेशन है जो मेरे ख्याल में दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिशर एंड पाए मोर और लेस हर तीसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है, दैट इज एनल फिशर एंड और पाए हिमोराइड. ये कॉन्स्टिपेशन जिस आदमी को अगर ये है तो दैट मीन वो दैट पर्सन इज हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तब जाके उनको एनल फिशर और ये पाइल की प्रॉब्लम है. इसमें क्या होता है ब्लीड होना शुरू हो जाता है, इसमें क्या परमानेंटली एक पर्टिकुलर
स्पाइन की तरफ या आगे की तरफ उसमें घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है, जो ब्लीड करता रहता है. इट इज अ वेरी पेनफुल. और इसमें भी इट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल समटाइम, कई किसी केसेस में ब्लड नहीं आता, बट बोथ आर मोर और लेस आर ऐसे ही वेरी पेनफुल. बट इनको जन्म देने वाला ये कॉन्स्टिपेशन है. और जैसे कि मैंने बोला कि पानी कम पीना और इनको रोकना, ये कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम को जन्म देता है. तो वाटर कंटेंट नीड टू बी प्रॉपर. अब इस पर्टिकुलर जगह की जो प्रॉब्लम है, कई तरीके से अगर ये लंबा चला जाए तो एनोरेक्टल प्रॉब्लम, जहां इसको कहते हैं एनोरेक्टल कैंसर भी हुए. जब ये अनक्यूरेबल कंडीशन में आ जाता है तो एनोरेक्टल कैंसर भी आता है. और इसी ये तो हो गया एनस और रेक्टम वाला पार्ट. अब रेक्टम और सिग्मॉइड वाला यानी कॉलन वाले पार्ट को सेम ऐसी कंडीशन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कोलोरेक्टल. कॉलन और रेक्टल वाला जो पार्ट है उस पे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, घाव कई दिनों से रिसे जा रहा है, प्रॉपरली नहीं है और हम क्योर नहीं कर रहे, तो वो ऐसी प्रॉब्लम में आ जाती है, विच इज लेटर ऑन अनएबल टू क्योर हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी उसमें मैनेजमेंट की जरूरत है. और आदमी कभी कभी जो इतना ज्यादा डीमोरलाइज हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को ऐसे छोड़ देता है. और छोटा सा हम ध्यान दें तो हम ये कर सकते हैं इस कॉन्स्टिपेशन को निकालने के. इफ आई कंक्लूड दिस वन, कॉन्स्टिपेशन को निकालने के लिए वन नीड टू टेक इक्वल डाइट, दूसरा फाइबर डाइट, तीसरा लेक्सेटिव और चौथा उसका खाने की जो हैबिट है उसको चबा चबा के खाएं और स्लो खाएं. एटलीस्ट एक बार खाना 20 मिनट लगा के खाएं तो दीज प्रॉब्लम विल नॉट कम आउट. फाइबर, लेक्सेटिव. लेक्सेटिव मतलब कोई भी रॉ, जैसे आपने खजूर में ले लिया, एनीथिंग विच हेल्प टू लुब्रिकेट द. लेक्सेटिव मीन लुब्रिकेशन. इट इज द मूवमेंट ऑफ द फूड नीड टू बी प्रॉपरली. लेक्सेटिव, लेक्सेटिव मतलब एनी फाइबरस फूड. फाइबरस फूड. सो इफ दीज फोर फाइव थिंग अगर कोई आदमी करता है उसको कॉन्स्टिपेशन कभी लाइफ में नहीं होगा. और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो यू विल हैव कम अक्रॉस, मेरे का 10 टाइप की हमने बीमारियां देखी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, आईबीडी, आईबीएस, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनम अल्सर, मेनी मेनी थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू, डायबेटिकुलम. ये ऑल दीज थिंग्स आर हैपन बिकॉज ऑफ ओनली हैविंग ऑल दीज थिंग्स. और इन्फेक्शन भी तब नहीं होगा जब इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन भी नहीं होगा. जो आपने बोला बॉम्ब वगैरह हो जाते हैं, बॉम्ब इसलिए होते हैं कि वी यूज टू टेक ए वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ फूड. खाना अगर जैसे मैंने खराब खा लिया तो उसके अंदर अगर वो प्रॉपरली बना नहीं है, प्रॉपर जगह पे नहीं बना, क्लीनिंगनेस का उसमें ध्यान नहीं रखा, तो ये जो बॉम्ब्स हैं, वेदर इट इज एस्कैरिस और रिंगवॉर्म, टेपवॉर्म, इस टाइप की प्रॉब्लम में आ सकती है. इनके इनकी बेस्ट रेमेडी अगर बॉम्ब है तो बेस्ट रेमेडी टू क्लीन द बॉम्ब, कच्चे टमाटरों को, गोल रेड कच्चे टमाटर सुबह एम्प्टी स्टमक जितना वो खा सकता है, 2-4 वो खा लें, शाम तक उनका बॉम्बलेस हो जाएगा, जितने बॉम्ब है सारे निकल जाएंगे. हाँ मतलब एक हफ्ता कर लो, काफी डाउट लग रहा है, अदरवाइज एक हफ्ते में उसको ये निकल जाएगा. अगर वो जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कच्चे टमाटर, कच्चे नहीं रेड गोल टमाटर, आई सेड गोल बिकॉज देसी, ये थोड़ा देसी देसी टमाटर देसी, अगर ऐसा दे देंगे दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म. अदरवाइज देर आर मेनी थिंग जो कि आप यूज कर सकते हैं और जिससे डीवॉर्मिंग हो सकता है. जो अल्बेंडा जोल वगैरह स्कूलों में भी दे रहे हैं, नाउ ए डे स्कूल
teachers are or school authorities are giving albendazole every 6 months. So this is the natural albendazole. Tomato will be marked as a natural albendazole to deworm the stomach. There are many, many things, but this is the easiest and easily available form of deworming. So that's why. Danger for children.